नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 22 अप्रैल 2023 प्रातः पांच बजकर के अट्ठावन मिनट पर देवगुरु अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए धन शिक्षा संतान विवाह मान सम्मान ऊंचाई के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है प्रिय दर्शकों अभी तक हमने मेष से लेकर कन्या लग्न और राशि पर्यंत जातकों के लिए देवगुरु के इस गोचर को समझ लिया है देवगुरु एक मई 2024 को राशि में प्रवेश करेंगे तब तक ये मेष में रहने वाले हैं प्रिय दर्शकों देव गुरु बृहस्पति का जब गोचर होता है जब ये राशि परिवर्तन करते हैं तब आपकी राशि से यह देखना होता है कि किस भाव में गोचर कर रहे हैं क्योंकि देव गुरु बृहस्पति के गोचर से ही संतान और विवाह का मूल विचार होता है जब जब ये देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति के बारे में जो मैंने कहा कि धन ऊंचाई संतान मान सम्मान तो आपकी कुंडली में देव गुरु कारक हैं अथवा अकारक इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी भी कुंडली में चाहे आप किसी भी लग्न के हों आपकी कुंडली में अकारक भी हों तो आपकी कुंडली में भी धन ऊंचाई और संतान विवाह के कारक देव गुरु ही रहेंगे ये देव गुरु आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं इस पर हमारी चर्चा आज होने वाली है आज पुनः चर्चा तीन लग्न और राशि के जातकों के लिए है तुला वृश्चिक धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए देव गुरु का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है चलिए इस पर चर्चा हम प्रारंभ कर लेते हैं सबसे पहले मैं बता दू प्रारंभ में ही समझ लीजिए कि यह राशिफल जो मैं बताने जा रहा हूं यह आपके लग्न और राशि दोनों के आधार पर है ज्यादा विस्तार से मैं पूर्व में पहले वाले दिन ही बता चुका हूं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको अपने लग्न के अनुसार भी इस राशि फल को सुनना है और राशि के अनुसार भी इस राशि फल को सुनना है और दोनों का मिलान करके समझना है देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर को अगर लग्न के हिसाब से मान लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत अच्छा है और राशि के हिसाब से भी बहुत अच्छा है तो समझ लीजिए यह गोचर आपके लिए अति उत्तम होने वाला है लग्न के अनुसार अच्छा राशि के अनुसार नहीं अच्छा तो मध्यम होने वाला है और दोनों के अनुसार खराब तो आपको सचेत रहना है प्रिय दर्शकों गोचर मौसम के समान होता है इसका सीधा प्रभाव तभी हमारे जीवन पर समझ में आता है जब हमारी जन्म कुंडली की स्थिति पहले उसको गौर से समझ लिया जाए अगर जन्म कुंडली में मान लिया जाए ग्रह स्थिति बहुत अच्छी चल रही है कोई भाग्यश की दशा चल रही है कोई धैया साढ़े साथी इत्यादि नहीं है तो फिर उस अवस्था में अगर गोचर का बुरा प्रभाव भी निकल कर क्या रहा है तब भी आपको उसकी बुराई कम समझ में आएगी और अगर मान लिया जाए कि जन्म कुंडली में कुछ बुरी दशाएं चल रही हैं और गोचर बहुत अच्छा है तब भी उसका प्रभाव आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन अगर गोचर भी बुरा बता रहा हूं मैं और जन्म कुंडली में भी ग्रह दशाएं बुरी चल रही हैं तो यह विशेष कष्टदायक स्थिति उत्पन्न कराने वाला होता है आज पुनः जिन तीन लग्न और राशियों की चर्चा है चलिए एक एक करके चर्चा प्रारंभ कर लेते हैं सबसे पहले हम तुला राशि के जातकों के लिए और तुला लग्न के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर को समझेंगे यहां प्रारंभ में एक और बात बताना चाहता हूं अब तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए मुख्यतः देखिए इस गोचर को जरा समझना जरूरी है देव गुरु बृहस्पति पहले तो अस्त अवस्था में सूर्य के करीब रहने के चलते अस्त होंगे, हो जाएंगे और अस्त अवस्था में ही वो राशि परिवर्तन करेंगे अब अस्त अवस्था में जब वो राशि परिवर्तन करेंगे तो यहां एक चीज और विचारणीय होगा परिस्थिति ऐसी है कि देव गुरु बृहस्पति राहु के साथ भी युति बनाएंगे तो राहु के साथ युति और उन दोनों की युति पर शनि की दृष्टि शनिदेव की दृष्टि को विच्छेदात्मक कहा गया है जबकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि के बारे में यदि हम चर्चा करें तो भले देव गुरु का यह गोचर आपके लिए कारक हो अथवा अकारक कम से कम जिन भावों पर उनकी दृष्टि पड़ेगी ये तो विचारणीय रहेगा ही कि उन भावों से संबंधित यदि कोई परेशानी है तो वहां पर आपको राहत मिलेगी अर्थात इस तरह से भी हम इस विषय को समझ सकते हैं कि देव गुरु बृहस्पति के गोचर की यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह जानना होगा कि देव गुरु बृहस्पति का गोचर केवल और केवल बुरा नहीं हो सकता है केवल और केवल बुरा हो ही नहीं सकता है अगर बुराई कहीं से निकल भी रही है तो अच्छाई साथ साथ अवश्य जुड़ी होगी तुला राशि और लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो देव गुरु कैसे समझना है अगर आपकी जन्म कुंडली सात नंबर से प्रारंभ हो रही है अथवा सात नंबर में ही आपकी कुंडली में चंद्रमा है तो यह राशिफल आपके लिए है आपको इसे समझना चाहिए देव गुरु बृहस्पति का गोचर अभी आपकी राशि से में हो रहा है जहां स्वगृह गुरु गोचर कर रहे हैं अब सप्तम में देव गुरु बृहस्पति आपके लिए गोचर करेंगे देखिए समझने की आवश्यकता है लग्न में देव गुरु बृहस्पति दिग्बली होते हैं तो सीधी सी बात है कि सप्तम में दिग्बल से हीन हो जाएंगे जब भी कोई ग्रह दिग्बल से हीन होता है तो वो थोड़ा कमजोर हो जाता है वो अपना सर्वश्रेष्ठतम प्रभाव नहीं दिखा पाता हालांकि मंगल की राशि में मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं परंतु समस्या यह है कि इस समय तुला राशि के जातकों के लिए देव शनिदेव राशि से आपके पंचम में चल रहे हैं और उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर आप जानते हैं कि आपके जीवन का सप्तम भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि विवाह का भाव है ये आपके दाम्पत्य का आपके पार्टनर का आपके व्यापार का भाव है अब यहां पर बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि देवगुरु पर शनिदेव की दृष्टि कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करेगी लेकिन एक चीज मैंने अभी भी कहा कि केवल देव गुरु बृहस्पति के होने भर से जहां खराबी उत्पन्न हो रही है तो अलग बात है लेकिन बात यदि हम उनकी दृष्टि की करें तो इस समय शनिदेव की दृष्टि जो आपके लाभ भाव पर पड़ करके लाभ से संबंधित परेशानियां आपके जीवन काल में उत्पन्न कर रही है वहां पर देवगुरु की जो पांचवी दृष्टि पड़ेगी वो बहुत हद तक आपके पक्ष में है और समझ लीजिए कि जो जीवन में परेशानियां धन को लेकर के चल रही हैं उसमें तो बहुत हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगी यानी एक बात तुला राशि के जातकों के लिए क्योंकि अगर तुला लग्न और राशि के विशेष करके आप जातक हैं तो एक बात आपको लगातार मैं पिछले दिनों से समझा रहा हूं शनि राशि से पंचम में गोचर कर रहे हैं और पंचम शनि दक्षिण भारतीय ग्रंथों की माने तो कहते हैं कि पंचम का शनि साढ़े सात और ढैया से भी खतरनाक होता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि जातक को फूटे बर्तनों में खाने के लिए विवश कर देता है अब वो शनि जहां कि आपको अगले ढाई साल तक कष्ट देने वाले हैं दो के फरवरी तक तक वहां पर देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर समझ लीजिए कि आपके लिए तपते रेगिस्तान में बारिश की बूंदे नहीं वरण बरसात की तरह क्यों तेज बरसात क्यों क्योंकि एक तो शनिदेव की दृष्टि को आपने देखा लाभ पर आपके दूसरा शनिदेव की जो दृष्टि है वो सप्तम पर तो ये तो बिगड़ेगा इसकी चर्चा में अभी आपको समझा देता हूं शनिदेव की जो दसवीं दृष्टि है वो यहां धन भाव पर पड़ेगी तो लाभ आता रहेगा तो धन की समस्या अगर है भी तो चल जाएगा काम एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट देवगुरु उत्पन्न करेंगे भले वो दिग्वल से विहीन है कमजोर है पर फिर भी उनकी दृष्टि जो आपके व्यक्तित्व तो पर पड़ेगी ये बहुत अच्छा है और इनकी तीसरी दृष्टि जो खुद के घर पर यानी आपके पराक्रम पर पड़ेगी ये भी बहुत अच्छा है तो तुला राशि के जातकों के लिए यहां है तो रहम की बात आपके लिए अगर देखा जाए तो देवगुरु मरहम का काम करने आए हैं लेकिन फिर भी शनिदेव का अपना प्रभाव तो जारी रहेगा आइए समझिए कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला चल रहा है तो यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी पार्टनरशिप में यदि आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर परेशानी उत्पन्न होने वाली है पार्टनरशिप में विच्छेद तक की स्थिति उत्पन्न होगी तो यहाँ पर आपके लिए समय ठीक नहीं है शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण ये परेशानी उत्पन्न होगी अब जाहिर सी बात है कि जब आपके कार्यक्षेत्र में परेशानी हो आपके जीवन में परेशानी हो तो वो परेशानी दिखाई कैसे पड़ती है वाणी के थ्रू तो वाणी में कड़वाहट आ सकती है तो इस पर बहुत ध्यान रखना होगा हालांकि मैं जानता हूं कि अच्छा बोल करके मीठा बोल करके आप अपनी बुद्धिमत्ता से क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व तो पर पड़ेगी तो तो आप बुद्धिमत्ता से अपने सभी काम तो पूरे कर ही लेंगे आर्थिक रूप से आपको बहुत हद तक सहयोग मिलेगा सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और सामाजिक कार्यों से आपको लाभ भी मिलेगा मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है धन लाभ के प्रबल योग है खान पान पर नियंत्रण रखना होगा इस गोचर काल के दौरान दाम्पत्य जीवन पर सीधा असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है देव गुरु बृहस्पति पति के कारक हैं फलत वो स्त्रियां जिनकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव किसी न किसी तरह से पीड़ित है अथवा वो तुला लग्न और राशि की स्त्रियां जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही है उनके लिए यह गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा आपके जीवन काल में परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी गौर करिए मैं सबसे पहली चर्चा यहाँ से प्रारंभ पुनः करूँगा उन स्त्रियों के लिए जो तुला लग्न और राशि की हैं और अगर सवाल उठता है कि आपके मन में एक प्रश्न हो जाए कि मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्या तब भी मेरे जीवन में खराबी आ जाएगी क्या मैं मुझे डरना चाहिए बिल्कुल नहीं मैं अभी अभी कहकर हटा हूं कि गोचर मौसम की तरह है अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो मौसम बदलने से ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है आपको सर्दी खांसी हो सकती है तो हर घर में थोड़ा बहुत मतभेद है टेंशन की कोई बात नहीं लेकिन अगर परेशानी है आपका सप्तम भाव पीड़ित है तो बस वही वाली बात है कि पहले से ही सर्दी थी तो बुखार लग जाएगी अब बुखार लग सकती है क्योंकि मौसम बदल रहा है तो यहां पर उन स्त्रियों के लिए दाम्पत्य जीवन में प्रबल परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है बाकी पुरुषों के लिए भी दाम्पत्य जीवन में कष्ट की स्थिति मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ेगी हालांकि गुरु मित्र राशि में बैठे हुए हैं और बहुत हद तक ये प्रयत्न तो करेंगे कि ठीक हो लेकिन चूंकि वो सष्टे होकर के सप्तम में बैठे हुए हैं फलतः पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो यहां मतभेद परेशानी की स्थिति तो उत्पन्न होगी ही होगी यहां पर दिक्कत आने वाला है अगर आपके सप्तम भाव को छोड़ दें यानी तुला लग्न राशि के लिए तो बाकी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से लाभ की स्थिति बहुत अच्छी होगी व्यक्तित्व में भी बहुत तक तक बदलाव आएगा आपको सत्य बोलने का प्रयत्न करना होगा मीठा बोलने का प्रयत्न करना होगा वाणी में कड़वाहट उत्पन्न नहीं होने देना है सत्य भी बोली तो ऐसा सत्य मत बोली लोग जिससे आपके शत्रु और सबसे बड़ी बात कि देव गुरु की दृष्टि अपने ही घर तृतीय भाव पर पड़ेगी फलतः संभव है कि आपके जीवन काल में संघर्ष होगा संभव है कि आप परेशानी में होंगे लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जब हम अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा संघर्ष और परेशानी से जूझ रहे होते हैं तो उस समय जो सबसे बड़ी समस्या आती है क्या हम पुरुषार्थ उस ढंग से नहीं कर पाते हैं जिस ढंग से हम पहले किया करते थे एक बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन काल में आएगी कि देव गुरु बृहस्पति के गोचर से आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी तो मैं पुनः तुला राशि के जातकों के लिए कहना चाहता हूं कि देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर यूं समझ लीजिए कि आपकी हर तरह की पीड़ा का एक हद तक समाधान निकल कर क्या रहा है दाम्पत्य बचाइए और उसके लिए क्या करिए घर में पूजा पाठ पूर्णिमा आए तो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए घर में नित्य घी का दिया जलाइए घर में आपके पूजन स्थल है तो वहां पर बैठ कर इष्ट देवता का पति पत्नी दोनों ध्यान करिए पार्टनरशिप में यदि मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही तो अपनी तरफ से थोड़ा सह जाना कहते हैं थोड़ा गम खाना थोड़ा कम खाना बस थोड़ा सह जाने से काम बदल सक बन सकता है तो बचा लीजिए और बना लीजिए बाकी आने वाले समय में स्थिति तो बदल ही जाएगी तो तुला राशि के जातकों के लिए मैं जहां यह कह रहा था घर छूटे परिवार छूटे स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे शनिदेव के कारण वहां अब यह कह रहा हूं कि देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए बहुत हद तक राहत की स्थिति उत्पन्न करेगा और बहुत हद तक आपकी परिस्थितियों में बदलाव लेकर के आएगा तो बस पूजा पाठ करते रहिए भगवान की शरण में रहिए दाम्पत्य जीवन को सामंजस्य पूर्वक चला लीजिए यह गोचर शांति से निकल जाएगा वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए 22 अप्रैल 2023 देव गुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है मीन से मेष में जो देव गुरु बृहस्पति पहुंचने जा रहे हैं आपके लिए किस तरह की स्थिति उत्पन्न करेंगे सबसे पहले तो मैं बता दूं यह फल आप अपने लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिए अर्थात अपनी जन्म कुंडली को खोलिए यदि आपकी जन्म कुंडली आठ नंबर से प्रारंभ होती है तो ये राशि फल आपके लिए है और चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली में आठ नंबर में है तो यह राशिफल आपके लिए है गुरु बृहस्पति का ये जो गोचर 22 अप्रैल को होने जा रहा है अभी देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम में गोचर कर रहे हैं जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है परंतु अब देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से में गोचर करेंगे अब समझने की बात है कि देव गुरु बृहस्पति का षष्ठ में गोचर करना और इस समय शनिदेव कहां पर है तो आपकी राशि से चतुर्थ में है वर्तमान समय में आपको शनि की ढैया चल रही है राहु देवगुरु बृहस्पति के साथ ही षष्ठ में गोचर कर रहे हैं तो गुरु और राहु के संबंध से तो कुछ हद तक आपके लिए चीजें अच्छी हैं जो कि मैं आगे चर्चा करके आपको समझाता हूं लेकिन इस समय आपका पंचम भाव पाप मध्यत्व में है यानी संतान पक्ष से चिंता और देवगुरु का संतानेश यानी पंचमेश बनकर के ष्ठ में जाना राहु से युक्त होना शनि की दृष्टि से दृष्ट होना यह संतान पक्ष से ही परेशानी की परिस्थिति को प्रदर्शित कर रहा है चलिए इस राशिफल को हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि आपके लिए कैसा रहने वाला है सबसे पहले यह जानिए कि गोचर का जो प्रभाव होता है वह मौसम की तरह होता है अभी वर्तमान समय में आपको शनि की ढैया चल रही है शनि की ढैया के चलते क्या हो सकता है तो शनिदेव इस समय कहां पर गोचर कर रहे हैं तो आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं चौथा भाव किस चीज का है चौथा भाव आपके सुखों का है आपके माता का है आपके नौकर चाकर जनता का है आपके मित्रों का है जब शनि राशि से चतुर्थ में गोचर करते हैं तो इन क्षेत्रों से निरंतर परेशानियां आने लगती हैं मानसिक अशांति गृह कलह की स्थिति माता के स्वास्थ्य में परेशानी इत्यादि इत्यादि अब ढैया के चलते कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से अशांत या परेशान हो रहे होंगे गोचर जो कि देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से पंचम में चल रहा था तब भी पाप कर्तरयोग तो तब भी बना हुआ है आपके पंचम को तब भी चिंता है लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति पंचमेश बनकर के राशि से ष्ठ में गोचर करेंगे तो कुछ परेशानियाँ तो और शुरू हो जाएंगी संतान पक्ष को विशेष रूप से परेशानी होने लगेगी इसके चलते चिंता होगी अगर आप छोटे हैं विद्यार्थी हैं तो ये आपकी शिक्षा पर असर करेगा अब हम आगे बढ़ते हैं देवगुरु बृहस्पति वैसे तो उच्च राशि में नहीं है परंतु अपनी मित्र राशि में है मंगल की राशि में और राहु के साथ युति बनाकर के ष्ठ में गोचर करेंगे तो ये एक पक्ष बहुत अच्छा आपके लिए होगा और वह है शत्रुओं के ऊपर विजय आपकी अपनी बुद्धिमत्ता अप, आपके ज्ञान आपकी चतुराई से आप अपने किसी भी तरह के शत्रु चाहे वो किसी भी स्तर का शत्रु हो और किसी भी तरह का शत्रु हो उस पर विजय हासिल करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर जो कि आपकी राशि से षष्ठमे में होने जा रहा है देखा जाए तो कुछ मामलों में पहले तो मैं आपको सावधान करना चाहूँगा ये आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर करेगा जिसमें पेट सबसे पहले शामिल है इस दौरान पेट से संबंधित परेशानी मानसिक तनाव जब इंसान का पेट खराब हो तो मानसिक तनाव रहने ही लगता है या यूं कहिए कि जो मानसिक तनाव में रहते हैं उनका पेट खराब होने लगता है तो पेट से संबंधित परेशानी बाकी देखा जाए तो किसी भी तरह की विषम परिस्थितियों में आपको धैर्य से काम लेना होगा अधिक तनाव लेने से बचना होगा देव गुरु बृहस्पति का राशि से ष्ठ में गोचर होने के कारण विवाह संतति से संबंधित सुखों में अब न्यूनता आएगी हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस गोचर काल के दौरान आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ने वाले हैं पारिवारिक कलह तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है पारिवारिक कलह होने वाला है परंतु बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं जबरदस्त वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तत्पर हैं लेकिन केवल तत्पर नहीं है वो निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको सफलता अवश्य मिल सकती है तो कुल मिलाकर के थोड़ा संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा नई नौकरी के तलाश में है तो समझ ले कि आपको निश्चित सफलता मिल सकती है परंतु मेहनत लगन लगेगा जितना हो सके लगन लगाइए प्रयत्न करिए प्रयास करिए नतीजा आपके पक्ष में आ जाएगा इस गोचर काल के दौरान देखा जाए तो आपके हर क्षेत्र में लाभ हर क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा परंतु याद रखिए कि उस लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको अखंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी देव गुरु बृहस्पति का आपकी राशि से स्वस्थ में गोचर करना अब ये आपके पंचम पति और धनपति बनकर के सष्टम में गोचर करेंगे गौर करिए तो वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु सर्वाधिक कारक ग्रह हैं परंतु केवल कारक होने से देवगुरु का गोचर बहुत अच्छा कहा जाएगा यह नहीं कह सकता शनि की के कारण ऑलरेडी आप मानसिक अशांति और परेशानी देख रहे होंगे देवगुरु धनपति और पंचम बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे फलतः कहीं ना कहीं धन से संबंधित परेशानी तो आएगी लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी अपने आप में बहुत कारगर होती है यहां बैठे देव गुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके कर्म भाव पर पड़ेगी साथ साथ राहु की भी दृष्टि पड़ेगी लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है फलतः वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी जो निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए सफलता बस हाथ आगे बढ़ाइए और आपके हाथ में एक और पॉइंट नौकरी में यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं कोई अच्छी नौकरी मिल जाए नौकरी में बदलाव आप करना चाहते हैं हाथ आगे बढ़ाइए आपको सफलता मिलेगी यानी पुरुषार्थ चाहिए बिना पुरुषार्थ बात नहीं बनने वाली है बॉस से परेशानी चल रही थी बॉस से मतभेद था बॉस आपकी बात को ना सुन रहे हो पिता के साथ संबंध खराब था पिता से मतभेद था इन सभी चीजों में राहत होगी हालांकि पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ख्याल रखना होगा और अपने स्वास्थ्य का तो आपको निसंदेह ख्याल रखना होगा गुरु पेट जन्य रोग इत्यादि की संभावना उत्पन्न कर देते हैं और आपके पंचमेश भी बनते हैं सो पेट से संबंधित ही परेशानी और आप जानते हैं कि पेट से संबंधित परेशानी क्यों होती है वो खान पान के कारण होती है द्वितीय भाव खाने पीने का है गुरु जाकर के कुंडली के ष्ठ में गोचर करेंगे खान पान में थोड़ी दिलचस्पी जाग जाएगी अच्छी अच्छी चीजों को खाने का मन करेगा और एक बात तो सत्य जानिए कि अच्छा अच्छा खाने का अगर मन कर रहा है तो यह भी परेशानी की सूचना है देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि बारहवें भाव पर पड़ेगी ये अच्छी बात है राहु के साथ होकर के दृष्टि डालेंगे बारहवें भाव पर फलतः एक बात तो तय जानिए कि जितना हो सके साधना और आराधना में लगी भगवान की शरणागति ग्रहण करिए तो आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट कोर्ट कचहरी के चक्करों से जूझ रहे हैं यहां परेशान हैं तो आपको राहत मिलेगी शत्रु वर्ग चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो वो आपको मजबूर नहीं कर पाएगा आप निसंदेह उन पर विजय हासिल करेंगे तो ये पक्ष आपके लिए है बहुत बढ़िया है यात्रा करना चाहते हैं करिए नौकरी में है कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या वर्तमान में स्वदेश में है विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं बात नहीं बन पा रही थी कोई कानूनी अड़चन आ रही थी कोई सरकारी अड़चन ये सारे काम बनेंगे एक और पॉइंट बताना चाहता हूं गुरु की दृष्टि दसम पर पड़ने से जो भी सरकारी काम आपके रुके हुए थे जो कि नहीं बन पा रहे थे किसी ना किसी कारण से उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी ये सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं इन मामलों में तो आपके लिए यह गोचर निसंदेह अत्यंत उत्तम है और इसका आपको फायदा उठाना चाहिए अब आगे बढ़िए देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि बारहवें पर पड़ रही है यहाँ से भी आपके लिए सफलता मिल गई यात्रा वगैरह आपके लिए बढ़िया होने वाला है कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो वहां पर आपको राहत मिली रही है ये सब कुछ ठीक देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी अब जरा विचार करना है कि ये धन नाश कराएंगे क्योंकि अपने घर को देख करके उस घर को खराब तो कर नहीं सकते हैं या धन संचित कराएंगे होगा क्या असल में देव गुरु बृहस्पति ष्ठ में बैठे हैं राहु के साथ हैं फलतः कहीं ना कहीं धन खराब तो होने वाला है धन नाश की स्थिति तो उत्पन्न होगी लेकिन देव गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ जाने के कारण जो धन व्यर्थ का जा सकता था बर्बाद हो सकता था कहीं ना कहीं उस धन का सदुपयोग होगा और मैं कह सकता हूं कि अब समझिए कि आपने कहीं ऋण लिया हुआ है ऋण से मुक्ति पाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे लेकिन चाह करके भी परिस्थिति नहीं बन रही थी अब अगर ऐसी बन स्थिति बनती है कि धन लाभ होता है और पैसे टिकते नहीं चले जाते हैं ऋण में ही चले जाते हैं पर कम से कम ऋण से मुक्ति तो मिल जाएगी तो देखा जाए तो यह गोचर खराब तो हो नहीं सकता अगर आपको ऋण से मुक्ति दिला रहा है यह गोचर तो इसको हम खराब कैसे कहेंगे तो यह तय जानिए कि थोड़ा संघर्ष थोड़ी परेशानी जरूर हो लेकिन यह गोचर कुल मिलाकर के ठीक होगा अब मानसिक अशांति और परेशानी तो रहने ही वाली है क्योंकि ढैया है और ऊपर से देवगुरु ष में गोचर करेंगे तो संतान पक्ष को लेकर के चिंता में पहले बता चुका हूं गृह कलह की स्थिति भी है अब एक ही लाइन है आपके लिए वो यह है कि भगवान की शरण में आइए पूजा पाठ करिए जितना हो सके क्या करना है आपको अपने घर में केला है तो केले का पौधा लगा करके रखिए गुरुवार गुरुवार उस पौधे की जड़ में जल अर्पित करिए घी का दिया जलाइए पूजा पाठ करिए जितना हो सके पूजा पाठ करिए और गरीबों की मदद भी कर सकते हैं इससे भी आपको फायदा मिलेगा समय समय पर मंदिर में जाना या ब्राह्मण या पुजारी को दान देना जो भी आपसे हो सके इससे भी देव गुरु के इस गोचर से बहुत लाभ मिलेगा और सबसे जरूरी बात वो ये है खान पान पर नियंत्रण रखना जितना हो सके साफ सुथरा खाइए सात्विक अन्न के ग्रहण करने से आप इस गोचर से उपस्थित होने वाली जो भी परेशानियां हैं उससे बच जाएंगे धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए 22 अप्रैल 2023 देव गुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है गोचर होने जा रहा है आपके जीवन पर इसका कैसा प्रभाव मिलेगा देखा जाए तो अभी, अभी अभी आप शनिदेव की साढ़े से मुक्ति पाए हैं देवगुरु बृहस्पति जो कि इस समय आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर करते हुए हंस महापुरुष योग का आपको प्रभाव दे रहे हैं अब आपकी राशि से पंचम में गोचर करना प्रारंभ करेंगे अब देखा जाए तो आपके लिए यदि सबसे पहले तो यह राशिफल आप देख रहे हैं तो जान लीजिए कि आपकी कुंडली यदि नौ नंबर से प्रारंभ हो रही है अथवा चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली में नौ नंबर में बैठे हैं तो यह राशिफल आपके लिए है तो देवगुरु बृहस्पति आपके राशिपति या लग्नपति बनकर के आपकी राशि से या लग्न से पंचम में गोचर करने जा रहे हैं जहां की वो अति विशिष्ट कारक होते हैं चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व एक और बात बता दूं यह राशिफल जैसा कि आपने सुना मैं लग्न और आपकी राशि के दोनों के आधार पर बता रहा हूं और आपको इसे ऐसे ही सुनना है हो सकता है आप धनु लग्न के हो परंतु राशि आपकी कोई और हो तो दोनों को सुनिए हो सकता है आपकी राशि धनु हो लग्न कोई और हो तो भी आप दोनों को सुनिए और मूल्यांकन स्वयं से करिए आकलन इसका स्वयं से करिए कैसे करना है मान लिया जाए लग्न अच्छा मैंने बताया परंतु राशि का प्रभाव मैंने बहुत अच्छा नहीं बताया तो मध्यम प्रभाव जाएगा दोनों के लिए मैंने बहुत अच्छा कहा तो अति उत्तम प्रभाव जाएगा दोनों के लिए मैंने खराब कहा तो कष्टदायी होगा तो आप इसका इसी तरह से आकलन करिए अब देव गुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं और जाएंगे पंचम में एक बात पहले जान लेना आवश्यक है कि देव गुरु बृहस्पति पंचम के कारक ग्रह हैं और इस समय गोचर कुंडली में शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करें जिनकी तीसरी दृष्टि देव गुरु बृहस्पति पर पड़ेगी फलतः पहले से ही आपके लिए अगर देखा जाए तो गोचर में आपका चतुर्थ भाव जो है पापकर्तरी योग से युक्त है पापकर्तरी योग जब किसी भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह उपस्थित हो तो इसे पापकर्तरी योग कहते हैं और इसके चलते उस भाव से संबंधित सुखों में कमी आ जाती है चौथा भाव किस चीज का है चौथा भाव हमारे सुखों का है हमारी माता का है हमारे मित्र का है अब जब ये भाव हमारे जीवन में पीड़ित होता है तो सीधी सी बात है कि हम लाख अच्छा कर लें और भाई जब घर सुख ही जीवन में नहीं रहेगा तो लाख कमा लीजिए लाख कुछ कर लीजिए क्या फायदा तो ये कमी तो पहले से ही आप महसूस कर रहे हैं जबकि साढ़े सात ही आपकी समाप्त हो गई है पर फिर भी इस कमी को आप अपने जीवन काल में महसूस कर रहे हैं और देव गुरु चतुर्थ में बैठ करके बहुत हद तक हंसयोग के चलते आपको सुरक्षा भी दे रहे थे लेकिन अब ये पंचम में आएंगे अब इस गोचर को जरा समझने की आवश्यकता है देखिए साधारण दृष्टिकोण से देखें तो पंचम में देव गुरु बृहस्पति जो कि गोचर करने जा रहे हैं आप जानते हैं कि यह अवधि अत्यंत श्रेष्ठ कही जाएगी समाज में मान सम्मान बढ़ेगा इस गोचर से आपके जीवन में लाभ की स्थिति उत्पन्न होने वाली है यह गोचर यूं समझ लीजिए जैसे एक आपके जीवन काल में शुभ समाचार एक नया सवेरा लेकर के आ रहा है धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी आप परोपकारी होंगे धार्मिक कृत्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे फलतः समाज में मान सम्मान बढ़ेगा गुरु की प्राप्ति पंचम के गुरु गुरु की प्राप्ति करा देते हैं गोचर में होना ये बहुत बढ़िया है नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता विद्यार्थी हैं तो शिक्षा तो के क्षेत्र में और ज्यादा आपकी रुचि बढ़ेगी पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा इस गोचर काल के दौरान संतति सुख भी प्राप्त होने वाला है उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं कोई संशय नहीं क्योंकि गुरु पंचम में गोचर करेंगे तो विवाह और संतान दोनों सुख प्रदान कराते हैं अचल संपत्ति प्रॉपर्टी इत्यादि भी इस गोचर काल के दौरान आप खरीद सकते हैं वैवाहिक सुख बढ़ेगा संतान सुख बढ़ेगा धन का सुख बढ़ेगा यानी जहां तक दृष्टि जा रही है क्या रिजल्ट निकल करके आया कि यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है परंतु क्योंकि हम गोचर की चर्चा कर रहे हैं तो हमें समझना जरूरी है हम इसे बहुत भली भांति समझें प्रिय दर्शकों गोचर असल में मौसम की तरह होता है ये बात मैं पिछले तीसरा दिन है आज इस गोचर का आपको समझा रहा हूँ गोचर मौसम की तरह होता है मौसम का क्या अर्थ है मौसम का अर्थ है आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है एक उदाहरण से समझिए तो मौसम बाहर का बहुत बढ़िया हो बहुत बढ़िया परंतु आपके घर में कोई कष्ट है आपके शरीर में कोई कष्ट है आपके स्वास्थ्य में कोई कष्ट है आपके मन में कोई कष्ट है तो जहां वो मौसम दूसरों को बड़ा सुहाना लगेगा बड़ा रोमांटिक लगेगा क्या आपको भी लगेगा मौसम तो सबके लिए जैसा ही है क्या आपको भी लगेगा नहीं लगेगा तो संभव है कि मैंने जितनी अच्छी अच्छी बातें कही हो सकता है आप बाद में कहेंगे नहीं आपने जितना कहा अच्छा हुआ तो कुछ अच्छा नहीं ये इसलिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि आपने ध्यान से मेरी बात सुनी नहीं मैं जो गोचर की चर्चा कर रहा हूं या किसी से भी जब आप गोचर की चर्चा सुन रहे हैं तो गोचर को समझने के लिए पहले वर्तमान अपनी परिस्थिति को समझना जरूरी है और उसके लिए अपनी जन्म कुंडली को देखना होगा अब एक उदाहरण से समझिए हम धनुलग्न या राशि के जातक के लिए बात कर रहा हूं मैं अब मान लिया जाए आपकी कुंडली में वर्तमान में मार्केस चल रहा हो आपकी कुंडली में कोई ऐसी दशा चल रही हो जिसके चलते आपको अष्टमेश की दशा चल रही हो आपको से सप्तमेश्वितीय की दशा चल रही हो यानी कुल मिलाकर के आपके लिए कष्ट की स्थिति हो आपकी कुंडली में आपकी कुंडली में द्वादश की दशा चल रही हो आप जूझ रहे हैं आप परेशान हैं और उसमें आकर के जब मैं आपको कहूंगा ये तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए जबरदस्त है समय आपके लिए आपके लिए केवल और केवल लाभप्रद रहने वाला है यह समय तो आप कहेंगे कि आप जो भी कह रहे हैं वो झूठ है असल में मैं झूठ नहीं कह रहा हूं मैं तो बिल्कुल सत्य ही कह रहा हूं क्योंकि मैं ये जो प्रिडिक्शन कर रहा हूं ये गुरु के बेस पर है आपकी कुंडली के बेस पर नहीं अब अगर आपकी कुंडली में स्थितियां खराब चल रही हैं तो मैं लाख अच्छा कहूं आपको उसका अच्छा प्रभाव नहीं समझ में आएगा जबकि बुरा मैं जो कहूंगा वो आपको महसूस होगा प्रायः अगर आप मैं राशिफल इत्यादि बताता हूं तो कई बार लोग कहते हैं कि जो आप अच्छा कहते हैं वो तो नहीं हो रहा है जो बुरा कह रहे हैं वो हो रहा है कुछ लोग कहते हैं कि आपने बुरा तो कहा लेकिन कुछ नहीं मुझे तो बहुत अच्छा फायदा मिला ये दोनों के दोनों सही कह रहे हैं और मैं भी अपनी जगह पर सही कह रहा हूं क्योंकि मैं जो प्रोडिक्शन कर रहा हूं वो इस ग्रह के आधार पर है ये घटनाएं घटित आपकी कुंडली के बेस पर होती हैं इसको ऐसे समझिए मान लिया जाए कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कहा परंतु आपकी कुंडली में बुरा दौर चल रहा है तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा संभव है कि देवगुरु बहुत हद तक आपको मरहम लगाएंगे लेकिन उससे भी आपको अभी निर्भर करता है कष्ट घाव कितना गहरा है अब मान लिया जाए आपकी कुंडली में स्थिति बहुत खराब है तो मैं कुछ भी कहूँ अच्छा नहीं और अच्छा है अब मैं खराब कह रहा हूं तो भी कुछ ज्यादा फर्क फर्क नहीं पड़ेगा ये वैसे ही होगा जैसे आप प्रचंड गर्मी में चार एसी सी लगा करके बैठे हैं एक एसी सी खराब भी पड़ जाए तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बस इतना ही अब आइए गोचर को और बृहद रूप से समझा दू आपके लिए देव गुरु बृहस्पति देखिए आपके लग्न और राशि के स्वामी बनकर के पंचम में गोचर करेंगे जो कि इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि बहुत बढ़िया है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो ये जबरदस्त रहने वाला है धार्मिक दृष्टिकोण से यह जबरदस्त रहने वाला है आत्मज्ञान के दृष्टिकोण से गोचर जबरदस्त रहने वाला है परंतु कुछ चिंता है देव गुरु बृहस्पति संतान के कारक है पंचम में वो जाकर के गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट तो उस अवस्था में संतान पक्ष से चिंता उत्पन्न होने लगेगी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है पढ़ाई को लेकर के कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन कई बार आपने विद्यार्थियों को कहते सुना होगा कि जब जब परीक्षा का समय आता है तभी तब कोई ना कोई परेशानी आ जाती है अच्छे से परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाता कर पाती मेरा लाख प्रयत्न सब नुकसान हो जाता है तो यह वही समय है कि तैयारी तो आपकी बेहतर होगी परंतु परिणाम की बात आए तो उसमें कमी आएगी फिर भी धनु के जातकों को जहां की साढ़े सात ढैया से मुक्ति मिली है यह गोचर बहुत हद तक फायदा देने वाला है अगर पंचम भाव में कुछ पीड़ा परेशानी उत्पन्न भी हो जाती है जिसके चलते पेट से संबंधित परेशानी प्रेम के संबंध में परेशानी संतान पक्ष से चिंता तब भी देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के चलते भाग्य में आपकी वृद्धि दिखा रहा है इस गोचर काल के दौरान देवगुरु की दृष्टि लाभ पर पड़ने के चलते लाभ के नए रास्ते बनेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने के चलते शनि की ढिया और साढ़े साथी का जो समय आपने देखा है उस समय काल में निसंदेह हाँ आप मानसिक रूप से बहुत अशांत परेशान और त्रस्त हो गए होंगे जब इंसान परेशान होता है तो सबसे पहले परिलक्षित कहां होता है चेहरे पर व्यक्तित्व में अब उस व्यक्तित्व में बदलाव आएगा देवगुरु की दृष्टि से कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में वो बदलाव आएगा स्थिति बहुत हद तक आपके पक्ष में आएगी तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए एक नया जीवन तुला रहा है लेकिन पंचम भाव की पीड़ा अभी भी बाकी रहेगी क्या करिए मंदिर जाइए दर्शन करिए देव गुरु के बीज मंत्र का जप करिए ओम ब्रम बृहस्पत नमः इस मंत्र का रोज या कम से कम गुरुवार के गुरुवार तो करिए ही करिए एक सौ आठ बार जप या अधिक से अधिक तीन माला भी कर सकते हैं आप तो जपिए इससे आपको फायदा मिलेगा केसर का तिलक लगाइए इससे आपको फायदा मिलेगा गलत खान पान से बचिए गलत आचरण से बचिए यह गोचर बहुत तक आपको फायदा देके जाएगा आपको कष्ट और परेशानी नहीं होगी प्रिय दर्शकों आज पुनः हमने तीन लग्न और राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति के गोचर को समझा तुला वृश्चिक और और धनु लग्न राशि आज ये यह चर्चा चर्चा हम पूर्ण करते हैं चर्चा को विराम दे देते हैं अब बाकी के तीन लग्न बचे और राशि मकर कुंभ और मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए देव गुरु का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है इस विषय पर हमारी चर्चा कल होगी तो आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार